प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसा कि आपको पहले बताया कि पान के पत्तों के प्रयोग से आप नवरात्रि में अपनी बहुत सारी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए पान के पत्ते का कैसा प्रयोग करें? एक पान का पत्ता ले लें, जैसा पहले बताया, टूटा हुआ ना हो, कटा फटा ना हो, डंठल उसमें पर्याप्त लगी हुई हो, और इसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लेकर घी मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। पान के पत्ते पर चिकनी तरफ, जो चिकना हिस्सा है, हरा वाला, ज्यादा हरा है, उस तरफ पेस्ट से, इसी सिंदूर से अपना नाम लिखिए और चिकनी तरफ से ही इसको देवी के चरणों में समर्पित करिए। यह प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करिएगा। बुद्धिमानी कहती है कि 3 रात को करिएगा, रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में लगातार 3 रातों को ये प्रयोग करिएगा, आपके शीघ्र विवाह होने के रास्ते बन जाएंगे। और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, पत्तों को वहीं छोड़ दीजिएगा, हटाइएगा नहीं, जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तब उन 3 पत्तों को जल में ले जाकर के प्रवाहित कर देंगे या मिट्टी में दबा देंगे। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं नवरात्रि में, किसी भी रात को, आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पान के पत्ते का सही प्रयोग करके नवरात्रि में आप अपने रोजगार की समस्याओं को, रोजगार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। 27 पान के पत्ते ले लीजिए और डंठल समेत पत्ते होने चाहिए, हर पत्ते में डंठल होनी चाहिए, और लाल धागे से इसके डंठल को बांधते हुए इसकी एक माला बना दीजिए। और जब इसकी माला बन जाए तो नवरात्रि में किसी भी रात को ये देवी को अर्पित कर दीजिएगा, उनके गले में पहना दीजिएगा, और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की या रोजगार की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करिएगा। और ये पान के पत्ते की माला लगभग 2 महीने तक देवी के गले में रहनी चाहिए। अगर उसके पहले नौकरी लग गई 2 महीने के पहले, तो जैसे ही आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाए, इस माला को जल में प्रवाहित कर देंगे या जमीन में दबा देंगे। पान के पत्तों की माला अगर नवरात्रि में किसी भी रात को आप देवी को समर्पित कर देते हैं लाल धागे में बांध करके, तो रोजगार से जुड़ी हुई बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं, चाहे नए काम की शुरुआत की बाधा हो या काम में डेवलपमेंट की बाधा हो, वो बाधा दूर हो जाती है और रोजगार की बेहतर व्यवस्था 2 महीने के अंदर हो जाती है। अगर पहले हो जाती है तो पहले वो माला हटा दीजिएगा, और अगर 2 महीने के अंदर होती है तो जब भी रोजगार की व्यवस्था हो जाए तब आप उस माला को हटा करके जल में प्रवाहित कर देंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।